नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है, पिछले 15 साल में एएम वाइज जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिला है, क्या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है? हमने यहाँ पे परसेंटेज वाइज ना सेलेक्ट करके एएम वाइज सेलेक्ट किया है। तो पिछले 15 साल में 4 कैटेगरी हम चुनते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। इसका एवरेज रिटर्न देखते हैं और मुझे ऐसा लगता है आगे फ्यूचर भी इसी तरह से दे सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज वाइज ना सेलेक्ट करके एवरेज एएम वाइज चुना है। तो यहां पे सेलेक्ट किए हैं पिछले 15 साल में एएम वाइज। तो फंड यहां देखते हैं, लाइव देखते हैं। सबसे पहले स्मॉल कैप कैटेगरी में एएम वाइज सबसे एएम ज्यादा, अगर पिछले 15 साल का बात करते हैं, यहां पे 10 साल, 12 साल, 13 साल पुराना फंड नहीं आएगा, एसबीआई निपोन नहीं आएगा। 15 साल से जो चल रहा है, एचडीएफसी स्मॉल कैप है, एएम देखेंगे 26,000 करोड़। 10 लाख रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया तो पैसा कितना बना है, 2,09,00,000 रुपया। उसी तरह मिड कैप के केस में देखते हैं, एएम वाइज में 56,000 करोड़ है, एचडीएफसी मिड कैप ने बनाया है 10 लाख का, 2,66,00,000। फिर मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में देखते हैं निपोन इंडिया मल्टी कैप, इसने वन टाइम 10 लाख का 15 साल में 1,86,00,000 बनाया है। और है फ्लेक्सी कैप, इसने बनाया है 1,53,00,000। फंड का नाम है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। तो इस तरह से करके चारों कैटेगरी में हमने सबको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आता है ये पैसा 8,14,00,000, जमा किए 10-10 करके 40 लाख, बना 8,14,00,000। तो अब अगर एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकलेगा एवरेज, कि हमने 40 लाख रुपया वन टाइम रखा अलग अलग कैटेगरी में, एक ही समय में 15 साल पहले 10-10 लाख रुपया करके 40 लाख रख दिया, 15 साल छोड़ा, सब मिला के कितना पैसा बना, 8,14,00,000। तो फार्मूला वही है, 9th क्लास वाला, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। लगाया था 40, मिला 8,14,00,000, तो ब्याज कितना आया, 22.25। इतने का एवरेज रिटर्न आया है एएम वाइज देखते हैं। तो अगर आप परसेंटेज वाइज लेंगे तो खेल कुछ और होगा। यहां पे अगर स्मॉल कैप परसेंटेज वाइज देखें तो डीएसपी फंड है, डीएसपी का स्मॉल कैप है, 3,32,00,000 बनाया है, उसने 2,00,00,000 बनाया था, यहां 3,32,00,000 बनाया। अगर मिड कैप कैटेगरी का बात करें तो यहां पे इडल वाइज मिड कैप आता है, जबकि वहां पे एएम वाइज में एचडीएफ से आया था, इसने 10 लाख का बनाया है 82 लाख, 23% का रिटर्न है। तो हमने यहां पे एएम वाइज लिए तो एवरेज, मुझे एवरेज रिटर्न अगर देखते हैं तो 22.25 रिटर्न आया है। तो इसी रेट से मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में अगर चलते रहे तो इस रेट से आपको आगे आता रहेगा। अभी जो नियर फ्यूचर में जो है ना, बड़ा गिरावट जो देखते थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर करता था, इस तरह का बड़ा गिरावट देखने नहीं मिलेगा। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मोबाइल का काल चल रहा है, और मोबाइल काल से जो है, जो भी चल रहा है यहां पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर का, अभी क्या चल रहा है कि ईरान है यहां पे, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर किसी तरह से पहले भी वीडियो में बताया हूं कि कोई ना कोई ऐसा कुछ चलेगा हवा कि इस पे जो है हमला होगा, पर यह भंडाफोड़ हो चुका है कि यह इस पे कब्जा करना चाहता है। क्यों करना चाहता है, अब ये देखिए, जो भी लोग देश कर्ज लेते हैं, जो भी 60-70 देश जो भी है, वो सब इनके अंदर है, और ये देश कर्जा लेता नहीं है। बोला कर्जा, हम कर्जा क्यों लेंगे, क्या लेंगे कर्जा में, कागज हम खुद छाप लेंगे। बाकी देश बोलता है कि कागज छापना है तो हमारे पास आना पड़ेगा परमिशन लेने के लिए, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर परमिशन वहां से आता है, तब सब लोग छापता है और सबको पैसा वितरित होता है। ये बोलता है कि हम जब मर्जी हो हम खुद छाप लेंगे, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह से जी रहा है कि चारों तरफ समंदर ही समंदर हो, कोई देश ना हो, वो इस स्टाइल में स्वतंत्र रूप से जी रहा है। बाकी जो भी इनके पास जाता है पैसा लेने के लिए, उनके अंडर में है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूं। ज्यादा गहराई में जानना है कि कैसे कहते हैं कि जो भी कर्जा लेता है और वो उसके अंडर है, तो ये एक चैनल है, इसमें आपको ये वीडियो और ये वीडियो, तीन वीडियो देखेंगे ना तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि eastindia.com के अंदर 60-70 जो हैं उनको हर बार परमिशन लेने के लिए जाना पड़ता है, और जो उसके बाहर है वो एकदम मजे में जी रहा है, और वैसे जगह पे आप जा भी नहीं सकते, वीजा नॉट अलाउड, क्योंकि सच्चाई जान जाएंगे ना, वैसे जगह पे अलाउ ही नहीं है जाना। जाएंगे तो समझ जाएंगे ना, बंडा फोड़ हो जाएगा डायरेक्टर प्रोड्यूसर का। छोड़ो, इसको बंद करते हैं, आगे ज्यादा नहीं बताएंगे। तो इस तरह से करके बड़ा गिरावट जो है होना मुश्किल है, क्योंकि चल रहा है मोबाइल काल। होता क्या है, मान लेते हैं कि मार्केट में 300 लाख करोड़ है,
तो पहले डायरेक्टर प्रोड्यूसर का हिस्सेदारी ज्यादा था, अब वो हिस्सेदारी धीरे धीरे हम सबका धीरे 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 करके बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, क्योंकि बड़ा गिरावट होगा नहीं, डरेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं संपत्ति, तो आप तो खरीदते जा रहे हैं, हर गिरावट में झोंकते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके इतना एजुकेट हो गए कि डरा रहा है डर ही नहीं रहे, गिरा रहा है आप खरीद रहे हैं, तो धीरे 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 इनका वेल्थ थोड़ा थोड़ा कम होगा, कितना भी कम होगा तो क्या कम होगा, समंदर से एक लोटा पानी निकालने से कुछ थोड़ी होगा, तो धीरे 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 उसी स्टाइल में कम होगा और धीरे धीरे यहाँ पे परसेंटेज बढ़ते रहेगा। लॉन्ग टर्म में मेरा मानना है कि 15% रिटर्न आपने जो चेक किया, 20-22% का रिटर्न कैलकुलेट के होके आया एएम वाइज में, 15% रिटर्न मुझे नहीं लगता कहीं जाएगा, अगर जाएगा तो फ्यूचर ही दिखाएगा कि क्या होगा। तो इस तरह से करके बिना डरे एसआईपी में और चार कैटेगरी जो बताया उसमें आप इन्वेस्ट करते रहिए। अब कुछ कमेंट्स का बात ले लेते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन है, राजू भैया अगर हम ऑटो पे ना करें एसआईपी करने के लिए, हर हर महीने अपने आप पे करें मैन्युअली, तो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत है, आप हर महीने करेंगे कितना करेंगे, 20 साल एसआईपी करना है तो ये करते रहेंगे, और ऑटो पे ना करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, कोई डर है बैंक पैसा ले लेगा? अगर इतना डर है तो सब कुछ क्लोज करके बैठ जाइए, मार्केट में भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, डर तो है हर जगह पे, लेकिन ऑटो पे करेंगे, कभी कोई ऐसा दिक्कत होगा तो ब्रांच में जाके कॉन्टेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ दिक्कत एसआईपी के केस में होता नहीं है। हाँ, आपका पैसा अकाउंट में नहीं है, एसआईपी चला गया हिट हो गया तो बाउंस का चार्ज कट जाएगा, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप एकदम बिल्कुल मेंटेन नहीं करना कर सकते हैं तो आप इस तरह से मैन्युअली करते रहिए, लेकिन आपके अकाउंट में रेगुलरली पैसा आता है तो मेरा कहना है कि ऑटो पे ही कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जाग के देखिए वीडियो, बाकी जो वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ, फिर आपको धीरे धीरे और ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। अभी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, मार्केट तो अभी लाइफ टाइम हाई है, ये काल जो है ना मार्केट लाइफ टाइम हाई हमेशा होगा, 10,000 पे जब मार्केट था लाइफ टाइम हाई था, 20,000 पे लाइफ टाइम हाई था, 50,000 पे लाइफ टाइम हाई था, 60,000 पे लाइफ टाइम हाई था, हमेशा लाइफ टाइम हाई होता है और ये वर्ड सेंटेंस चलते रहता है। आप कंटिन्यूस 5,000, 10,000, 15,000 जितना एसआईपी कर सकते हैं करते रहिए, 15 साल के बाद टारगेट रखिए 1 करोड़ का, जब मिलेगा निकाल के बैठ जाइए शांति से। अगला क्वेश्चन है, एनपीएस में पिछले 10, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिला है मुझे, एनपीएस में पिछले 10 साल में इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न औसतन 8.5% ही क्यों है, जबकि बोलते हैं एनपीएस तो म्यूचुअल फंड जैसा ही है। अब म्यूचुअल फंड तो ये डेट फंड भी है, म्यूचुअल फंड में कैटेगरी 50-52 तरह का है, उसमें से कौन सा लिया, पत्थर भी है हीरा भी है, हीरा और पत्थर को पत्थर ही बोलेंगे, लेकिन हीरा हीरा होता है पत्थर पत्थर होता है। तो उसी तरह आप एनपीएस अगर ये 36 नंबर कैटेगरी में डेट कैटेगरी में रख दे, तो डेट कैटेगरी में अगर आईसीसी पोटेंशियल शॉर्ट टर्म का बात करें, पिछले 10 साल में 10 लाख का बनाया है कितने परसेंट के एवरेज रिटर्न से, 7.85, यहाँ पैसा बनेगा तो 21 लाख ही बनेगा 10 लाख का। एवरेज का अगर बात करें, एवरेज का पूरे डेट में अगर देखा जाए तो एवरेज इसने बनाया है पिछले 10 साल में 6.97, मतलब 7% का। तो ज्यादातर पैसा अगर डेट फंड में हो तो आपको तो इसी तरह स्टाइल में पैसा मिलेगा ना। HDFC शॉर्ट टर्म फंड इसने कितना रिटर्न दिया है, 7.7, फिर यहाँ पे कहीं SBI भी आएगा, क्योंकि NPS SBI HDFC ICICI सब चलाते हैं, SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड 7.24। अगर 50% 60% 70% पैसा इस तरह से डेट फंड में हो तो आपको रिटर्न कैसे ज़्यादा मिल सकता है, और 10% 15% 20% इक्विटी में हो तो इक्विटी का फायदा तो उतना परसेंटेज में ही मिलेगा। तो आपको एनपीएस में ये देखना होगा पोर्टफोलियो के अंदर कि डेट में कितना, इक्विटी में कितना है, होना चाहिए 100% इक्विटी। इसीलिए तो मैं राजू चौधरी ने एनपीएस में इन्वेस्ट नहीं किया, बेहतर है कि स्मॉल कैप मिड कैप में करते रहिए। आप सोचेंगे टैक्स बच जाएगा, ये बच जाएगा, वो बच जाएगा, पैसा ही इतना इतने लंबे समय के बाद कम मिलेगा कि सब गुड़ गोबर हो जाएगा। बेहतर है यहां पर बंद करके आप स्मॉल कैप मिड कैप में करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। राजू भाई अगर कभी जॉब चली जाए तो SIP का किस्त नहीं भर पाएंगे तो क्या होगा? दूसरे जगह भी करते तो ऐसे ही होता, जॉब चला जाएगा, जितना SIP किए हैं उससे वर्क करना शुरू करेंगे, अपना काम करना शुरू करेंगे, इसीलिए तो SIP इन्वेस्ट कर रहे हैं कि बुरे वक्त में हमको ये वो पैसा कुछ काम आ जाए। अगर सच में जॉब चला जाए, खत्म ही हो जाए, कोई जॉब मिल ही नहीं रहा है, तो जो भी पैसा जमा किए हैं 10-20 लाख उससे अपना कुछ जीवन यापन करने के लिए अपना धंधा पानी करेंगे।
कोई उपाय नहीं है कि SIP नहीं कटा तो क्या करेंगे, ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं है म्यूचुअल फंड में कि आपका जो है कंपनी जो है SIP चलाते रहेंगे, तो जितना भी चल गया है उसी पैसे से वो करना शुरू करेंगे। एक आदमी को कैसे पता चलेगा कि कब मार्केट गिरा और कब ऊपर गया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा अपने आप कि कब गिरा है। जब पोर्टफोलियो डाउन देखेंगे ना, पैसा कम होगा तो पता चल जाएगा मार्केट डाउन है, और बढ़ता हुआ नज़र मोबाइल में दिखेगा तो बढ़ता हुआ नज़र है। अगर जब जब गिरे पोर्टफोलियो आपको मोबाइल में कम दिखे पैसा, उसी समय थोड़ा थोड़ा झोंकते जाइए पैसा। ये कहना कि कब पता चलेगा, जिसने भी किया है उनको पता है कि मार्केट कब गिरता है। अगर पोर्टफोलियो जब बड़ा हो जाएगा उस टाइम पे अगर स्विच करना में बहुत टैक्स आ जाएगा, इसका सोल्यूशन क्या है? कोई सोल्यूशन नहीं। आपका ने जो टारगेट बनाया है ऐसे तो फिर घर ही नहीं खरीद पाएंगे, कोई चीज़ नहीं खरीद पाएंगे। मान लीजिए कार खरीदना है 20 लाख का, तो रिडीम करेंगे तो टैक्स आएगा स्विच करने पे या रिडीम करने पे। या फिर घर खरीदना है, घर पे आपको कैपिटल गेन टैक्स छूट है वन टाइम घर के लिए, बाकी चीज के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। अब 1 करोड़ रुपया आपने टारगेट रखा था रिटायरमेंट के लिए, मिड कैप स्मॉल कैप में बन गया, वहां से आप कहते हैं कि बैलेंस फंड में स्विच करेंगे तो टैक्स आ जाएगा। नहीं करेंगे तो उतना रिस्क लेने के लिए क्षमता अगर आपको है तो वहीं पे बने रहिए। अगर रिस्क नहीं ले सकते हैं तो स्विच करना चाहिए। लाइफ टाइम हाई अगर चल रहा है और स्विच कर गए तो इतना तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर 10% के हिसाब से 10 लाख टैक्स जाएगा वो बढ़े हुए भी जाएगा, 90% तो प्रॉफिट आपका है, 10% ही टैक्स जाएगा, तो इसमें कोई बेचैनी नहीं होना चाहिए। और सेफ चलने के लिए बाद में कुछ पैसा बैलेंस फंड में लार्ज कैप में आपको स्विच करना चाहिए। बाद में जब बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ जाए तो थोड़ा बहुत टैक्स देने में भी कोई तकलीफ नहीं होगा। राजू सर, मुझे लमसम 1 लाख रुपया करना है SBI और निपोन में, स्मॉल कैप में बंद है। कोई बात नहीं है, HDFC स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, ICICI स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, बराबर बराबर आप 25-25 हज़ार रुपया या 50-50 हज़ार रुपया करके किसी दो फंड में लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज जो आपको लग रहा है ना कि SBI और निपोन सबसे ऊपर है और हमेशा ऊपर होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। कल HDFC हो सकता है, परसों क्वांट हो सकता है, कोटक हो सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ 4-5 में आप डाइवर्सिफाइड करके रखिए, आपका फंड पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होएगा, एवरेज आपको 15-20 मिल जाएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। StarSIP.in ऐप आप एंड्रॉयड और एप्पल दोनों पे डाउनलोड करके 1 सप्ताह अध्ययन करेंगे, म्यूचुअल फंड के बारे में सारा जानकारी मिल जाएगा। कुछ दिक्कत होता है समझने में तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।